Everyone, welcome to our YouTube channel IT Info DRM with your Dimple ma'am. Today I'm sharing a very interesting and useful topic, keyboard. आज इस वीडियो में हम कीबोर्ड और उसके इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे. कीबोर्ड इज़ ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस है हमारा. और इसमें हम ये जानेंगे कि क्या हम कीबोर्ड को फॉल्ड कर सकते हैं, क्या हम कीबोर्ड को हाथ में लेकर ऑपरेट कर सकते हैं. जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए और आप कीबोर्ड की फुल जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सके. लेट्स स्टार्ट कीबोर्ड. कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिंस द बिगनिंग. स्टार्टिंग से ही जो कीबोर्ड है एक कंपल्सरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है. कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है. इट इज़ एसेंशियल टू परफॉर्म मोस्ट फंक्शंस इन एन एवरेज कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी भी एवरेज कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड एक आवश्यक पार्ट है. देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, बेसिक कीबोर्ड एंड द एक्सटेंडेड कीबोर्ड. बेसिक कीबोर्ड क्या है? रोज़मर्रा की लाइफ में आपने देखा होगा, स्कूल टाइम में भी और बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, बैंक्स के अंदर भी बेसिक कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. जहाँ पे इसके अंदर बताया गया है द बेसिक कीबोर्ड कंटेन्स 104 कीज, इसमें 104 कीज लगी होती है. इज एनफ टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट कैन बी डन ऑन विंडोज़ पीसी. विंडोज़ पीसी के अंदर में सभी फंक्शंस को करने के लिए ये कीज एनफ होती है किसी भी विंडो पीसी के अंदर. सेकंड इज़ द एक्सटेंडेड कीबोर्ड मे हैव एडिशनल कीज एंड द डिज़ाइन वेरीज अमंग द कंपनीज मैन्युफैक्चर देम. जब कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है तो एडिशनल कीज भी हम इसमें ऐड करा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें गेमिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो हम एडिशनल कीज़ को ऐड कर सकते हैं. These are usually customized keyboards. जो ये कीबोर्ड हैं मोडिफाई किए जा सकते हैं डेट आर स्पेसिफिक टू सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस. कुछ निश्चित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड के अंदर मोडिफाई कर सकते हैं एज यू रिक्वायर, जैसे आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से और कीज़ को ऐड कर सकते हैं. एक्सटेंडेड की हम यहाँ देखेंगे. एक्सटेंडेड के अंदर जो जो कीबोर्ड आते हैं, फर्स्ट है हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, एरोगोनॉमिक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया, हैंड कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड एंड द लास्ट वन ऑन द लिस्ट, लेज़र वर्चुअल कीबोर्ड्स. फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं गेमिंग कीबोर्ड. गेमिंग कीबोर्ड्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू एनहेंस योर गेमिंग एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज योर विंस. जो हमारा गेमिंग कीबोर्ड होता है उसको स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो यूज़र है जो इसे इस्तेमाल कर रहा है उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस करे, इनमें चूसे से बढ़ाए एंड इंक्रीज योर विंस, और जो विनिंग जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करे. दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर गियर्ड टूवर्ड्स यूजर्स हु स्पेंड आवर्स वाइल प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. ये स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो घंटों
गेम खेलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सेकंड, मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या है? मैकेनिकल कीबोर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड है। दीज आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है। रिक्वायर टू लिटल लर्निंग टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। बट इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में आपको कुछ सीखना पड़ता है। इस पर काम करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसके टू मेन बेनिफिट्स हैं। टू ऑफ मेन बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिकल कीबोर्ड्स आर, फर्स्ट इज देयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड द सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी। ए बेसिक कीबोर्ड कैन ओनली स्पॉट 10 मिलियन की स्ट्रोक, वॉइल ए मैकेनिकल कीबोर्ड कैन स्पॉट मोर देन 50 मिलियन की बोर्ड। यहाँ हम इसके देख रहे थे बेनिफिट्स। फर्स्ट इज देयर रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिव इट मीन्स टू से रिस्पॉन्स करता है। अगर हम हाफ टच भी इस कीबोर्ड पे कर देते हैं मैकेनिकल पे, इट विल रिस्पॉन्स, उसका भी ये रिस्पॉन्स करेगा। जो भी आपने प्रेस किया उसे एक्टिवेट कंडीशन में ले आएगा, एक्टिवेट कर देगा और उसे आपको अपेयर कंडीशन में शो करेगा। सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ है। बेसिक कीबोर्ड कैन ओनली स्पॉट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 10 मिलियन की स्ट्रोक को स्पॉट करता है, जो हमारा बेसिक कीबोर्ड है, जो हमने पहले इससे पहले आपसे पहले समझा इससे। और उसके बाद जो मैकेनिकल कीबोर्ड है वो स्पॉट करता है मोर देन 50 मिलियन की स्ट्रोक को। जो मैकेनिकल कीबोर्ड है वो स्पॉट करता है 50 से भी ज़्यादा मिलियन की स्ट्रोक्स को। एयरगोनॉमिक कीबोर्ड, एयरगोनॉमिक कीबोर्ड, सॉरी, एयरगोनॉमिक कीबोर्ड्स आर नॉट रियली ए नॉर्मल टाइप ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड ऑन देयर ओन, बट दे आर डिजाइन टू मिनिमाइज स्ट्रेस पेन ऑन योर बॉडी एंड एनहेंस कंफर्ट्स। मिनिमाइज स्ट्रेस पेन योर बॉडी एंड एनहेंस कंफर्ट। ये किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं? ये इस कीबोर्ड का पर्पस ये है कि जिस तरह से हम और कीबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, बेसिक पे कर रहे हैं, तो हम टायर्ड हो जाते हैं, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, बैठे बैठे हम थक जाते हैं। तो ये इस तरह से बनाए गए हैं कि ये हमें कंफर्ट जोन में ले जाता है, मिनिमाइज करता है हमारे स्ट्रेस को, पेन को, बॉडी योर बॉडी पेन को एनहेंस करता है, कंफर्ट को हमें कंफर्टेबल जोन में लेके जाता है। दीज टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर जनरली कंसीडर्ड टू गिव मोर कंफर्टेबल एंड टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, इंक्रीज करता है टाइपिंग स्पीड को विथ कंफर्ट पोस्चर। एक कंफर्ट पोस्चर में हम जब बैठे हुए हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, किसी तरह का कोई हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट डू वर्क, हम अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाएंगे, हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। लेकिन इफ़ वी आर डूइंग वर्क ऑन एयरगोनॉमिक कीबोर्ड, अगर हम इस कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में हैं। दीज कीबोर्ड्स ऑल्सो स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस ऑन योर हैंड्स एंड रिस्ट एंड द फिंगर्स। हमारे हाथों का, हमारी कलाई का, हमारी फिंगर्स का स्ट्रेस को रिमूव करता है, अवॉइड करता है। ये है हमारा एरोगोनॉमिक कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आर वेरी सिमिलर टू कॉमन कीबोर्ड्स, बट विद द एडिशन ऑफ ए सीरीज ऑफ कीज दैट अलाउ यू टू कंट्रोल डायरेक्टली द मोस्ट कॉमन फंक्शंस ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट्स। प्लेयर सच एज प्ले, स्टॉप, जूम, रिवाइंड, म्यूट, वॉल्यूम एट्सेट्रा। अब जो हमारा ये मल्टीमीडिया हमारा कीबोर्ड है, जो ये सिमिलर है, दिखाई देने में सिमिलर है हमारा कॉमन कीबोर्ड की तरह, बट विद द एडिशनल सीरीज ऑफ कीज़, इसके अंदर कुछ एडिशन की जाती है कीज़,
जो कि कंट्रोल करती है, डायरेक्टली हम उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं फंक्शंस को, जैसे मल्टीमीडिया, यहाँ पे कंटेंट्स हमें दिए गए हैं, प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिज्यूम, रिवाइंड, म्यूट, वॉल्यूम, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर के बॉक्सेस हैं, जो ये हमारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने मल्टीमीडिया को प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, रिवाइंड करना चाहते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के थ्रू हम इजीली कर करते हैं। नेक्स्ट वन इज हैंड कीबोर्ड। अब हैंड कीबोर्ड क्या है? क्रिएट ए होल न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी को क्रिएट करता है, सच एज अल्फा ग्रिप हैंड हेल्ड कीबोर्ड। ये हैंड हेल्ड जो कीबोर्ड है उसे अल्फा ग्रिप कंपनी ने बनाया, विच कंबाइन द डिज़ाइन ऑफ गेम कंट्रोलर विद द फंक्शन ऑफ ए बेसिक कीबोर्ड एंड एरोगोनॉमिक कीबोर्ड। इसने क्या किया, इसने कंबाइन कर दिया बेसिक कीबोर्ड और एरोगोनॉमिक कीबोर्ड को कंबाइन करके बना दिया। और यहाँ देखेंगे हम, एक स्मॉल यूनिट है, कीबोर्ड इज़ ए स्मॉल यूनिट फुल ऑफ बटन्स। यहाँ पे बटन सब के सब हैं बट एक स्मॉल यूनिट। दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट एज इट इज हैज़ टू अकोमोडेट ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ बोथ द कीबोर्ड एंड द ट्रैक बॉल। जितने भी कीबोर्ड के फंक्शंस हैं वो हम इजीली इसमें की कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम ट्रेड मिल पे भी चल रहे हैं तो हम वहाँ पे भी वॉक करते हुए अपने काम को इजीली कर सकते हैं। हम कैरी कर सकते हैं इसे अपने बैग के अंदर इजीली, कहीं भी हम जा रहे हैं तो वी कैन कैरी इजीली एंड डू वर्क ऑल्सो इजीली। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स क्या हैं? दे कैन बी रोल्ड और फोल्डेड विद द एम ऑफ बींग ट्रांसपोर्टेड विदाउट टेकिंग अप मच स्पेस एंड इन टेनी प्लेसेस। इसमें क्या बताया गया, अगर ये हमारे पास जगह नहीं है, कहीं हम जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी आर गोइंग, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं तो ट्रेवलिंग पोजिशन में हमारे पास बहुत बार जगह कम होती है, तो ये हल्का सा छोटा सा थोड़ी सी जगह लेगा और यू कैन कैरी इजीली। ये वाटर प्रूफ है, ये फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट दे आर वाटर प्रूफ इन जनरल। द कीबोर्ड्स आर डिज़ाइन टू रिसिस्ट स्प्लैशिंग एंड टोटल इमर्जन इन वाटर, यानी अगर इसे पानी में भी डुबो दिया जाए तो इसके लिए वो हार्मफुल नहीं होगा, उसके लिए हार्मफुल मीन्स टू से उसके लिए हानिकारक नहीं होगा, इजिली डूब भी जाएगा तो काम प्रॉपरली करेगा ये, क्योंकि ये बना है मटेरियल, किस मटेरियल से, विद विच दे आर बिल्ट इज जनरल प्लास्टिक और सिलिकॉन से बना है, इस तरह के प्लास्टिक से बना है और इस तरह के सिलिकॉन से बना है कि पानी इसके लिए हार्मफुल, इसके लिए हानिकारक नहीं है। देखो इसके एडवांटेज क्या है, एक तो इसे फोल्ड कर सकते हैं, कम स्पेस लेगा, दूसरा है कि वाटर प्रूफ है, फिर और तो और ये प्लास्टिक और सिलिकॉन से बना है तो इसीलिए ये चीज वाटर प्रूफ होने के कारण ये बिल्कुल एक शील्डेड फॉर्म के अंदर है, तो इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है अगर हम बाहर ले जा रहे हैं, अगर बारिश हो जाती है तो वी कैन गेट पोर्टेबल इन पोर्टेबल फॉर्म। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड विच कनेक्ट टू द टर्मिनल विद वायरलेस सिग्नल्स लाइक वाईफाई और वाया ब्लूटूथ विदाउट एनी नीड फॉर वायर केबल्स। अब जो ये हमारे वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं इसमें हमें किसी टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की सिग्नल्स की, वायरलेस सिग्नल्स होते हैं उसमें हम वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू अपने डाटा को फैच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, केबल्स की नीड नहीं पड़ती हमें, नो नीड टू केबल, कनेक्ट इजीली।
These keyboards are an excellent complement to extended the functionalities of portable devices. एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट है ये, एक तो पोर्टेबल डिवाइस है, इसे हम ले जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सच एज स्मार्टफोन, जैसे कि हम स्मार्टफोन को, टैबलेट को, वेयर टाइपिंग इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें टाइपिंग की ज़रूरत है ईजिली हम अपने वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें किसी केबलिंग की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई और ब्लूटूथ के द्वारा हम सिग्नल्स को गेट कर सकते हैं कनेक्ट करके। लैपटॉप कीबोर्ड, द कीबोर्ड यूज्ड इन ए लैपटॉप इज कॉल्ड ए लैपटॉप कीबोर्ड और क्वाटरी कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड हैं, लैपटॉप भी बुलाया जा सकता है, इन्हें बुलाया जाता है, और क्वाटरी कीबोर्ड भी। द लेआउट लैपटॉप कीबोर्ड इज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैपटॉप, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कीबोर्ड। ये नॉर्मल कीबोर्ड से डिफरेंट होते हैं। द नमेरिक कीपैड ऑन द राइट हैज़ बीन रिमूव्ड ऑन द कीबोर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा बेसिक कीबोर्ड के अंदर इस साइड में, राइट साइड में क्या होता है, एक नमेरिक कीपैड बना होता है, जिसकी वजह से तो वो दो पार्टीशंस में दो नमेरिक कीबोर्ड कीपैड हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, राइट साइड का जो कीपैड है, नमेरिक कीपैड है, उसे रिमूव कर दिया गया है टू मेक मोस्ट लैपटॉप्स अपेयर सिमिलर। जिस तरह की लैपटॉप के अंदर भी आपने देखा होगा, इसी तरह से दिखाई देता है। लेजर वर्चुअल कीबोर्ड्स, द इमेज ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए सरफेस। लेज़र बीम के द्वारा वर्चुअल कीबोर्ड की एक इमेज एक फ्लैट सरफेस पे प्रोजेक्टेड होती है। व्हेन ए यूज़र टचेज द सरफेस कवर्ड बाय इमेज ऑन ए ऑफ ए की, द डिवाइस रिकॉर्डेड द कॉरस्पॉन्डिंग की स्ट्रोक्स। मैंने आपको बताया कि लेज़र बीम के द्वारा वर्चुअल कीबोर्ड की एक इमेज एक फ्लैट सरफेस पे प्रोजेक्टेड होती है। जब यूज़र उस लेज़र से कवर्ड सरफेस पर की इमेज को टच करता है, तो उस डिवाइस में वही की रिकॉर्ड हो जाती है। वर्चुअल कीबोर्ड्स अपेयर्स ऑन स्क्रीन इधर ऑफ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन एंड देयर फॉर आर used either by mouse or by touch screen। यहाँ आप देख सकते हैं आपका लेज़र वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि वर्चुअल कीबोर्ड है जो, वो स्क्रीन पर अपेयर होता है, जैसे कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हमें कोई भी डाटा जो देखना है वो अपेयर हो जाता है, जिन्हें हम माउस या टच स्क्रीन की मदद से यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम माउस या टच स्क्रीन की मदद से यूज़ कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं एडमिन टूल से। तो आज हमने कीबोर्ड के बारे में जाना कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, और इट इज़ ए इंटीग्रल यानी आवश्यक जरूरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। साथ साथ हमने जाना इसके अंदर नो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, IT Info DRM। और एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में हम कीबोर्ड की कीज़ के बारे में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें आप जानेंगे कि इसकी कीज़ के थ्रू हम क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं। तो थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉच दिस वीडियो एंड गुड बाय एवरीवन।